गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस भी टाइम से देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से। आज हम उसको ही रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, मेरी जो वीडियोज हैं, मेन मकसद ये है कि मैं आपको जो है उस टॉपिक को समराइज करवा सकूं, लॉजिकली आपको बता सकूं टॉपिक क्या है, क्विक जो है उसे रिवाइज कर सकूं। दैट मींस हम फुल फ्लैश टॉपिक नहीं कर रहे, हम मेयरली रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक्स की, ताकि आप विद इन हाफ आवर या 35 to 40 मिनट अपने उस कॉन्सेप्ट को जो है रिविजिट कर सको, आपके माइंड में वो टॉपिक रिफ्रेश हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक हमारा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है? जहां पे हम स्पेशल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो जब जब आपके पास अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड आती है, तो आपको हमेशा कॉस्टिंग के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग लगाना होता है। मतलब हर एक ऑर्डर अपने आप में अलग है, बिकॉज हर एक ऑर्डर की कॉस्ट अलग आएगी। अलग क्यों आएगी? बिकॉज कस्टमर के स्पेसिफिकेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर चाहता है कि वो 3 मंजिला बिल्डिंग बनवाए, दूसरा कस्टमर सिर्फ 1 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाह सकता है। किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमारे यहाँ तो सारा काम वुडन से होना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास जो बेस बनाया जाएगा, जो आपके पास वो सारा वुडन से होना चाहिए। कुछ का होता है कि मार्बल की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड है। अब कस्टमर्स जैसे जैसे अलग अलग डिमांड करेंगे, तो हमें हर एक के लिए अलग अलग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। तो हेंस हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी यही होता है, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एंड हेंस आपको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की जो टेक्निक है वो यूज करनी होती है। तो इट इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर जॉब अंडरटेकन इज रिलेटिवली लार्ज। जो जॉब होती है वो बड़ी बड़ी होती है, एंड नॉर्मली टेक्स पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर, और जनरली जो टाइम लगता है वो 1 साल से ज्यादा का लगता है कंप्लीट करने में। तो जो बड़ी बड़ी जॉब्स है एंड जो काफी हैवी वर्क्स इंक्लूड करती हैवी कॉस्ट इंक्लूड करती है, वो सारी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जाती है। जो जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्शन वगैरह में एंगेज होते हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए डीएलएफ है। डीएलएफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग्स बना बना के बेचती है। ठीक है, उन्हें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग बना के देगी, ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है डीएलएफ। तो यहाँ पे जब डीएलएफ बिल्डिंग बनाएगी, तो देखिए बिल्डिंग जब बनती है नॉर्मली एक्सपेंसेस काफी हैवी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, घर बनाने जाए तो 50 लाख 1 करोड़ का तो बिल्कुल सिंपल से सिंपल घर बनता है। दैट मीन्स एक्सपेंसेस काफी हैवी होते हैं। सेकेंडली, घर बनाने में टाइम भी लगता है। घर बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनाना हो, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे केसेस में आपको एक स्पेशल मेथड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक घर बनाना है काफी बड़ा है, जो 3 सालों में बनेगा। अब कॉस्ट इवनली तीनों साल में इनकर हो रही है, पहले साल भी आप खर्चा कर रहे हो घर बनाने के लिए, दूसरे साल भी, एंड ऑफकोर्स तीसरे साल में भी। लेकिन रेवेन्यू जो होगा, जो आपका एक्चुअल कंप्लीशन होगा, वो तो 3 साल के बाद होगा। तो क्या हम ऐसा करें कि थर्ड ईयर में ही सारा का सारा रेवेन्यू दिखाएं और पहले 2 सालों में 0 रेवेन्यू दिखाएं, कहें कि कोई काम ही नहीं हुआ? क्या ये सही लगता है आपको? क्या वास्तव में मैंने पहले 2 सालों में कोई काम नहीं किया? आपको कहे नहीं सर, काम तो हो रहा है, पहले साल भी हुआ है, दूसरे साल भी हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि कंप्लीशन थर्ड ईयर में हो रहा है। तो हेंस हमें एक ऐसी मेथड चाहिए जो क्या करे, आपके पहले साल के किए गए काम को पहले साल की कॉस्ट से कंपेयर करके प्रॉफिट निकलवा दे। सिमिलर वे में दूसरे साल के कॉस्ट को दूसरे साल के रेवेन्यू से कंपेयर करें और तीसरे साल की कॉस्ट को तीसरे साल के रेवेन्यू से, यानी कि जिस साल जितना काम हुआ उतना ही रेवेन्यू बुक में शो हो जाए, एंड प्रोपोर्शनेट जितना आपका एक्सपेंस लग रहा है उस काम को करने के लिए वो भी इंक्लूड हो जाए। ऑटोमेटिकली आपका हर साल का अलग से रिजल्ट पता चल जाए, ताकि आप चेक कर सको आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हो, आपका ईयर टू ईयर बेसिस पे आपको प्रॉफिट्स दिख सके, अदरवाइज कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है सीधा पीरियड एंड पर जो है अपना प्रॉफिट कंप्यूट करोगे, तो सारे के सारे आपके प्रॉफिट्स है वो ईयर एंड पर जो आपके पास प्रोजेक्ट की एंडिंग पे है वहां पे दिखेंगे। तो कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट है ही नहीं, जीरो है, खाली एक्सपेंस लग रही है, लॉस आ रहे हैं। एंड एक साल ऐसा होगा जहां पे कॉस्ट बिल्कुल कम होगी, लेकिन सारे 3-4 सालों का रेवेन्यू एक साथ बुक हो रहा है।
तो हैंस एक स्पेशल मेथड चाहिए कि आपके पास हर साल का आपको प्रॉफिट पता चल सके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उस पर्टिकुलर जो है कॉस्ट कंप्यूटेशन के लिए आप कह सकते हो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के टेक्निक यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग एंड काफी एक्सपेंस लगने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें ओवर ए पीरियड कंप्लीट करना होता है। मोस्टली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोड बनाना, ब्रिजेस, डैम, बिल्डिंग्स बनाना, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड अगेन हैवी कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो हमें हर साल अपना प्रॉफिट और हर साल अपनी जो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का पता चल सके, उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और भी बहुत सारी स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग हम फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब कॉस्टिंग। जॉब में भी ये होता है, कस्टमर्स अपनी जॉब जो है हमें देता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, बट डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में। वो डिफरेंस क्या है, जो जॉब कॉस्टिंग हम करते हैं वहां पे रिलेटिवली जॉब का साइज छोटा होता है एंड एक्सपेंस भी एज सच इनकर नहीं होता जितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है। तो है दोनों ही स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, कस्टमर आएगा बोलेगा सर ये काम कर दो, बस फर्क क्या है जॉब छोटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो हम कॉस्टिंग करते हैं उसमें बड़े बड़े काम होते हैं एंड एक्सपेंसेस हैवी होते हैं। ठीक है, तो ये था मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट की कॉस्ट असर्टेन करते हो, उसके जो है रेवेन्यूज देखते हो एंड अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड चेक करते हो। ठीक है, आगे आते हैं और देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट समझते हैं ताकि हम बेसिक को समझ सकें और उससे हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो सके। एक कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है एंड कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग वगैरह का। ऑब्वियसली बात है अलग अलग कस्टमर होंगे तो अलग अलग आपके पास जो होंगे काम हो रहे होंगे सबके। तो मान लीजिए करंटली मेरे पास चार कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी एंड कॉन्ट्रैक्ट डी। अब इन चारों पे ही मेरा मटेरियल भी कंज्यूम हो रहा है, मेरी जो कॉमन लेबर है वो चारों पे इंक्लूड जो है इनकर हो रही है, सिमिलर वे मेरे एक्सपेंसेस भी चारों पे इनकर हो रहे हैं। दैट मीन्स मेरे पास मल्टीपल टाइप के एक्सपेंसेस हैं जो इन चारों कॉन्ट्रैक्ट पे साइमल्टेनियसली इनकर हो रहे हैं। मेरे पास मान लो एक स्टोर है, गोडाउन है, इस गोडाउन को मैंने सीमेंट से भर रखा है, सीमेंट के बैग्स पड़े हैं, जैसे ही जिस भी साइट को सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहां से वो ले जाते हैं, मे बी ए को, बी को, सी को, डी को, जिसको भी चाहिए वो यहां से सीमेंट उठा ले जाते हैं। वर्कर्स टीम है मेरी पूरी, मान लो 100 वर्कर्स हैं, ए के ऊपर भी काम कर रहे हैं कुछ, बी के ऊपर भी कुछ, सी के ऊपर भी और कुछ डी के ऊपर भी। मेरा ऑफिस है, ऑफिस में भी बहुत सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, डिजाइनिंग एक्सपेंस वगैरह, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बात सोच के बताइए, हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक अलग जो है ऑर्डर है, अलग काम मैं कर रहा हूं, क्या मेरी ये इच्छा नहीं होगी कि मैं ये जानूं कि मुझे हर कॉन्ट्रैक्ट से क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है जब भी आप कोई काम करते हो, कुछ भी आप अंडरटेक करते हो, तो आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट हमें पता चले। ऐसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो भी चाहेगा कि मुझे पता चले कि ए से मेरा क्या प्रॉफिट लॉस है, बी से मेरा क्या प्रॉफिट लॉस है, सी से मुझे क्या फायदा नुकसान हो रहा है और सिमिलर वे में डी से मुझे क्या फायदा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब मेरे सारे एक्सपेंसेस ऐसे मिक्सअप लग रहे हैं तो मुझे कैसे पता चले कि ए से फायदा कितना है, बी से फायदा कितना है। चलो सबका रेवेन्यू तो अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है ए के लिए अलग से मैंने फिक्स कर रखा है भाई ये बिल्डिंग मान लो मैं 50 लाख में बनाऊंगा, बी का रेवेन्यू भी सेपरेटली फिक्स होगा, सपोज ये बिल्डिंग 75 लाख की है, सिमिलर वे में ये 80 लाख की है और ये मान लो 1 करोड़ की है। सबका रेवेन्यू तो अलग अलग फिक्स है बट प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करने होते हैं। अब ये एक्सपेंस कैसे आए, ये तो मेरा एक गोडाउन है जहां पे सीमेंट पड़ी है, लेबर भी मिक्सअप चल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, हमें हर एक पे लगने वाली कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहां से ये सीमेंट है, स्टोर है बेसिकली आपका, जब भी मटेरियल इश्यू होगा तो एक डॉक्यूमेंट इश्यू होता है MRN, हमने मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। जब भी मटेरियल इश्यू होगा तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट इश्यू किया जाएगा एंड उसके अगेंस्ट ही आपको जो है माल दिया जाएगा। अब उस MRN में लिखा जाएगा कि वेदर आप कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए मटेरियल लेके जा रहे हो,
बी के लिए, सी के लिए या डी के लिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके पास रिकॉर्ड रह जाएगा कि किस कॉन्ट्रैक्टर ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। सिमिलर वे में जब हम बात करेंगे लेबर की, तो लेबर के लिए जो है हम जॉब शीट देख सकते हैं, जॉब कार्ड देख सकते हैं, जिसपे लिखा होगा कि किस वर्कर ने किस जगह पे कितनी देर काम किया। बेसिकली वर्कर की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी कि वर्कर ने कितने घंटे कौन से प्रोजेक्ट पे या कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया। तो यहां से हमारे पास वर्कर को दी जाने वाली वेजेस की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, और सिमिलर वे में एक्सपेंसेस के लिए भी, एक्सपेंसेस के लिए भी हम SAC का सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है हम यूज कर सकते हैं, स्पेशल कोड दे सकते हैं हमारे अलग अलग एक्सपेंसेस को। तो जिससे होगा क्या, अलग अलग कोड जब हम देंगे अलग अलग एक्सपेंसेस को, तो हम उसके जो है अगेंस्ट में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर सिस्टम आपने अगर पढ़ा हो, ओवरहेड चैप्टर में हमारे पास आता है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर सिस्टम। दैट मीन्स हर एक एक्सपेंस को एक यूनिक कोड दे दिया जाए, एंड देन ये ट्रैक किया जाए कि वो कोड कहाँ पे जा रहा है, मतलब किस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में वो एक्सपेंस हो रहा है। तो जब आप ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करोगे हर जॉब के, हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग, तो इस टाइप की जो सिस्टम होता है वहां पे आप इजीली कॉस्ट असर्टेन कर सकते हो किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए करूं, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ए का सेपरेट लेजर बना लूंगा और यहाँ पे उसकी कॉस्ट चार्ज कर दूंगा। भाई आपने इतना मटेरियल इशू किया, इस मटेरियल की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, MRN से। आपने इतनी वेजेस कंज्यूम की, वेजेस की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, जॉब शीट से या जॉब कार्ड से। आपने इतने एक्सपेंसेस इनकर किए, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर सिस्टम होता है वहां से हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल गई। दैट मीन्स अलग अलग सोर्सेस से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आपको अपनी कॉस्ट पता चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर दिया जो बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा है कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने कितना एक्सपेंस किया। अब जितना जितना एक्सपेंस होगा वो मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट ए में डेबिट करता जाऊंगा, ठीक है, और अल्टीमेटली मेरी टोटल कॉस्ट मुझे पता चल जाएगी। अब मुझे एक बार बताओ, मुझे जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको कहे सर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो सेल में से या रेवेन्यू में से आप अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट माइनस कर दो, ऑब्वियसली बात आपको अपना प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। लेकिन दुविधा मेरे पास ये है कि मेरा रेवेन्यू जो है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ए कॉन्ट्रैक्ट है, उसका रेवेन्यू 50 लाख है, बट ये तो मल्टीपल ईयर्स में जाके पूरा होगा। 50 लाख का रेवेन्यू है बट ये आज तो पूरा नहीं हो रहा, इसे कंप्लीट करने में साल, 2 साल, 5 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में पहले साल में जो मुझे अगर प्रॉफिट कंप्यूट करना हो तो कैसे हो, तो इसके लिए हमारे पास किया क्या जाएगा, मेरे लिए रेवेन्यू क्या होगा। ऑब्वियसली बात है जितना काम कंप्लीट हो गया उतना ही मेरा रेवेन्यू बन गया। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये 50 लाख की बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है, आपने काम कर दिया आधा, ठीक है, आर्किटेक्ट को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई देख के बताना कितना काम हो गया। तो आर्किटेक्ट बेसिकली नॉलेजेबल बंदा होता है, वो देखता है यार इतना काम हो गया, आपका मैप देखता है जो ड्राइंग्स है बिल्डिंग की, उसके हिसाब से कहता है कि सर आपने 50% काम कर दिया है, और वो इसका सर्टिफिकेट भी बना के दे देता है कि आपने इतना काम कर दिया, और उसका सर्टिफिकेट भी बना के दे देता है। इसे हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। एक जानकार व्यक्ति से जब हम लिखवा लेते हैं कि हाँ आपने इतना काम कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। तो आपका कितना काम सर्टिफाइड हो गया है, 50 लाख का 50%। दैट मींस मैं कह सकता हूं मैंने 25 लाख का काम ऑलरेडी कर दिया है, तो हेंस इट इज माय रेवेन्यू, दिस 25 लाख इज माय रेवेन्यू। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कंपेयर कर दूंगा मेरी कॉस्ट को रेवेन्यू से। इस कॉस्ट को मैं यहां पे डालूंगा टू कॉस्ट, और यहां पे मेरा डाल दूंगा बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू में मेरे पास है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, तो है काम तो अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे WIP लिखता हूँ, वर्क सर्टिफाइड, और यहाँ पे मेरा रेवेन्यू डाल दूंगा 25 लाख, और मेरी कॉस्ट से कंपेयर करके मैं मेरा एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लूंगा, सॉरी नॉशनल प्रॉफिट। मैं क्या निकालूंगा, मेरा नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकाले, मैंने सिर्फ एस्टिमेट लगाया है कि सर इतनी एक्सपेंस हो गई है और इतना काम हो गया, तो ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट मान लो,
एक्चुअल प्रॉफिट तो तब होगा जब आप एक्चुअल में पूरा काम कर दोगे। फॉर द टाइम बिंग आपने पूरा काम नहीं किया है, तो हेंस आपके पास सिर्फ क्या निकल जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट या नॉशनल लॉस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने किया क्या, अब वापस आते हैं। मैंने आपको समझाया कि कंपनी चाहेगी कि उन्हें पता हो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कॉस्ट आ रही है, बिकॉज वो चाहते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग से प्रॉफिट निकाले। तो पहली चीज याद रखनी है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो सेपरेट अकाउंट बनता है फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट का हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ताकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को असर्टेन कर सकें। ठीक है, तो मेरा हर जॉब का, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से अकाउंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें जितनी भी मेरी कॉस्ट होंगी मैं उसमें डेबिट करता रहूंगा। बेसिकली हम ये दो पार्ट्स में बनाते हैं, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो दो पार्ट्स में बनाता हूं मैं। ठीक है, पहला पार्ट होगा टू असर्टेन कॉस्ट, मेरी क्या एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो असर्टेन करने के लिए जो पार्ट यूज होगा वो होता है पहला पार्ट, जो मेरी कॉस्ट बताएगा कि मैंने कितना खर्चा कर दिया है। एंड सेकेंड पार्ट मेरे रिजल्ट के लिए होता है, जहां पे मैं बेसिकली कंपेयर करता हूँ सेल्स को, यानी कि मेरे रेवेन्यू को और मेरी कॉस्ट को। तो मेरे पास दो पार्ट है, पहला पार्ट कॉस्ट असर्टेन करवाएगा और दूसरा पार्ट रिजल्ट असर्टेन करवाएगा। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं कि मुझे जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो देखिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, जो जो भी एक्सपेंस लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मटीरियल लग गया तो मटीरियल डेबिट कर दिया, लेबर लग गई तो लेबर डेबिट कर दी, मेरे पास ओवरहेड चार्ज हो गए तो ओवरहेड डेबिट कर दिया, डिजाइनिंग के चार्ज लग गए तो डिजाइन का चार्ज लगा दिया, फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अब फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में आपके पास दो तरीके होते हैं, बेसिकली दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। पहला तरीका, मान लीजिए आपके पास 10,000 की एसेट थी और आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 की। तो आपके पास दो तरीके हैं, पहला तरीका 10,000 की एसेट एक साल यूज की, 10% डेप्रिसिएशन लगा, यानी कि 1,000, तो आप सिंपली यहां पे डेबिट कर दो 1,000 रुपीज, सिंपली अपने एक्सपेंस चार्ज कर दिया। ये है पहला तरीका, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन चार्ज करना। दूसरा तरीका होता है, मैं ऐसे ना करके, मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, मैं यहां पे लिख दूं टू फिक्स्ड एसेट, 10,000 की फिक्स्ड एसेट मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे भेजी, एंड बाय फिक्स्ड एसेट बैलेंस सीडी, कितने की बच गई आखिरी में, 9,000 की। नेट इंपैक्ट सेम पड़ा, मैंने 10 को डेबिट किया, 9 को क्रेडिट कर दिया, नेट में 1,000 ही डेबिट हुआ। बट ये होता है एसेट को शो करना, एसेट को शो करना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो बेसिकली दो तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, टू डेप्रिसिएशन 1,000। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो यहाँ पे आपको एसेट की क्लोजिंग वैल्यू या कोई एसेट जो है ड्यूरिंग दैट ईयर रिटर्न की गई है तो वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने सिंपली एक्सपेंस को ही जो है चार्ज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनकर किए, कोई भी खर्चा हो जो कॉन्ट्रैक्ट पे इनकर किया गया हो या एलोकेट किया जा रहा हो, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, डेबिट। इस टाइप से जब आप सारे खर्चे डेबिट कर दोगे, बेसिकली मटेरियल ये जो टोटल इशू है इसमें से कई बार मटेरियल बच भी जाता है तो यहाँ पे बैलेंस सीडी ऑफ मटेरियल भी निकल सकता है, दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे लगने वाली कॉस्ट को असर्टेन करना है कि कितनी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो, तो आपको डेबिट करते जाना है कॉस्ट को। ठीक है, तो यहां से मेरी निकल जाएगी बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पे मेरा कितना खर्चा आया। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ, मेरा फर्स्ट पार्ट का मेन मकसद था टू असर्टेन कॉस्ट या एक्सपेंस जो आज तक मेरे लगे हैं, ये मैंने यहां से निकाल लिए, तो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन किस चीज का, कॉस्ट का और रेवेन्यू का। तो डेबिट साइड कॉस्ट डाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और क्रेडिट साइड रेवेन्यू। रेवेन्यू में अभी मैंने आपको बताया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, जितने रुपए का काम सर्टिफाई हो गया, आर्किटेक्ट ने आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का कितना काम आपने कर दिया वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपका फिगर नॉशनल प्रॉफिट या नॉशनल लॉस कंप्यूट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पार्ट पूरा हुआ।
दो ही पार्ट है, पहले पार्ट में कॉस्ट डेबिट करनी है और दूसरे पार्ट में आप रेवेन्यू से कंपैरिजन करना है। तो मतलब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बहुत ही आसान है। आपको दो पार्ट्स बनाने हैं, पहला पार्ट आपकी कॉस्ट असर्टेन करवाएगा एंड सेकेंड पार्ट जहां पे आप कंपेरिजन करते हो तो रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। अब मैं आपको वो कुछ चीजें बता देता हूँ जो हमें ध्यान रखनी है। नंबर फर्स्ट, कभी भी ये एंटायर कॉस्टिंग का रूल याद रख लो, एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा कॉस्टिंग पेनल में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आग लग गई, आग लगने के कारण कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन मटेरियल का जो है डिस्ट्रॉय हो गया, क्या ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है? द आंसर इज नो। एबनॉर्मल आइटम है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और कॉस्टिंग पेनल में डेबिट किया जाएगा इसे। ठीक है, सिमिलर वे में कई बार क्या होता है, हमारे पास एक्सेस मटेरियल होता है जो हमें लगता है कि कोई काम का नहीं है, उसे हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो वहां पे वो जो मटेरियल हम सेल कर रहे हैं, वो मटेरियल सेल करना भी हमारे पास, हमारा काम मटेरियल को सेल करना नहीं है, हम कंज्यूम करते हैं। तो हेंस वो मटेरियल को सेल करना और वहां से कोई नुकसान या फायदा होता है तो वो भी अब नॉर्मल आइटम है और वो कॉस्टिंग पेनल में चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, अब नॉर्मल आइटम एंटायर कॉस्ट के अंदर हमेशा कॉस्टिंग पेनल में जाएगी, चाहे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो। ये रूल याद रख लो, ये कसम खा लो कि एबनॉर्मल आइटम हमेशा कॉस्टिंग पेनल में जाएगा। ठीक है, सेकेंडली, ये था हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैंने आपके कहा कि आपका आर्किटेक्ट आया और उसने कहा कि सर 50% काम हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है वो सारा का सारा काम सर्टिफाई कर देता होगा? क्या एंटायर वर्क सर्टिफाइड हो जाता होगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग मैंने 50% तो बना दिया, यानी कि एक माला मैंने बना दिया, दो फ्लोर बनाने हैं, सपोज एक फ्लोर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन जो सेकेंड फ्लोर है वहां पे भी मैंने जो है कुछ बेस तैयार कर दिया है, उसके लिए जो मेरे को जो है पिलर्स बनाने हैं वो मैंने सेपरेटली रेडी कर दिए हैं। ठीक है, कुछ बेस बनाना था वो बेस भी रेडी कर दिया, बट आर्किटेक्ट ने कहा सर इस काम को मैं माप नहीं सकता है, थोड़ा बहुत काम हुआ है छोटा मोटा, मैं तो सिर्फ इस फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको 50% दे रहा हूँ। अब मुझे एक बार बताओ, जब मैंने कॉस्ट इनकर की होगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा तो मेरी जितनी भी कॉस्ट लिखूंगा वो तो अप टू डेट है। सपोज मेरी कॉस्ट आ रही है यहां से 30 लाख की, ये तो मेरी टोटल कॉस्ट है जिसमें बेस का भी कॉस्ट लगा है फर्स्ट फ्लोर का, एंड आपके पास ये जो मैंने बेस तैयार किया है इसकी भी कॉस्ट लगी है। दैट मीन्स जब मैं बात करता हूँ इस 30 लाख की, तो इस 30 लाख में दोनों चीजों की कॉस्ट है, ग्राउंड फ्लोर की भी एंड उस बेस की भी जिसे अभी सर्टिफाई नहीं किया गया है। तो एक बात सोचो, जब मैं यहाँ पे कॉस्ट डालूंगा 30 लाख, तो वो कॉस्ट तो होगी ग्राउंड फ्लोर की और बेस की, और जब इस तरफ मैं रेवेन्यू डालूंगा, वर्क सर्टिफाइड जो है मेरे पास रेवेन्यू डालूंगा, तो ये वर्क सर्टिफाइड सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है। तो क्या आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट वॉयलेट होता नहीं लग रहा? मेरी कॉस्ट तो दो एसेट्स की है और रेवेन्यू एक एसेट का, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट गलत निकलेगा। तो किया क्या जाए? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ने क्या कहा, आप एक काम करो, इस कॉस्ट में से, इस 30 लाख की कॉस्ट में से ये वाली कॉस्ट हटा दो। जैसे ही मैं बेस की कॉस्ट हटाऊंगा तो यहां पे कॉस्ट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बच जाएगी, और सिमिलर वे में यहां पे रेवेन्यू भी ग्राउंड फ्लोर का बच जाएगा, तो हेंस मेरा प्रॉफिट भी निकल आएगा उस ग्राउंड फ्लोर से लेते। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूँ, वर्क अनसर्टिफाइड और कैलकुलेट कर लेता हूँ। बेसिकली मेरा रेवेन्यू में मैं वर्क अनसर्टिफाइड और दिखा देता हूँ, हालांकि मैं रेवेन्यू नहीं दिखा रहा, रेवेन्यू सिर्फ मैं वो काम के लिए दिखाता हूँ जो मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मैं क्रेडिट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस कॉस्ट में से उसे हटाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो मैंने बेडिंग्स तैयार किए हैं इसके 2 लाख रुपए लगे हैं, तो सही मायने में 30 लाख लगे टोटल, ग्राउंड फ्लोर के तो 28 लाख लगे हैं, तो मुझे ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट और ग्राउंड फ्लोर का ही रेवेन्यू कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एंटायर प्रोजेक्ट जो है वो 75 लाख का है, तो 50% 37.5 लाख बनता है, ये 37.5 लाख रेवेन्यू है ग्राउंड फ्लोर का, और मुझे अगर प्रॉफिट देखना है तो कॉस्ट भी ग्राउंड फ्लोर की देखनी चाहिए, दैट इज 28 लाख। तो मैंने सिंपली कॉस्ट में से माइनस करने के बजाय उस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दो, मतलब डेबिट में से डिडक्ट करने के बजाय आप उसे क्रेडिट साइड दिखा दो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा सर रेवेन्यू तो सिर्फ आपका 37.5 लाख को ही माना जाएगा जो काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन सिंस आप जो यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहे हो ना, ये 30 लाख की जो कॉस्ट है ये सिर्फ आपकी ग्राउंड फ्लोर की नहीं है, इसमें उस बेस की भी कॉस्ट है, तो इसमें से बेस वाली कॉस्ट को हटाना है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा 2 लाख से, नेट में अपने आप 28 लाख बच जाएगी। आप रिजल्ट देखोगे तो यही रिजल्ट बचेगा, दैट इज
9.5 लाख का प्रॉफिट। तो यहां से मेरा आ जाएगा टू नॉशनल प्रॉफिट 9.5 लाख। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो इस टाइप से फर्स्ट पार्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को दिखाएगा, दूसरा पार्ट रेवेन्यू को कंपेयर करवाएगा। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ उतने पोर्शन का देखा जाता है जो काम कंप्लीट हो गया है, जिसका सर्टिफिकेट मिल गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि काम सारा का सारा सर्टिफाइड कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ काम अनसर्टिफाइड पड़ा रहता है। तो हमें क्या करना है, जो कॉस्ट हमारी निकलती है वो टोटल होती है, उसमें सर्टिफाइड की भी कॉस्ट होती है और अनसर्टिफाइड की भी। इसलिए हम बेसिकली करते हैं अनसर्टिफाइड की कॉस्ट को क्रेडिट कर देते हैं ताकि मेरे पास नेट कॉस्ट बच जाए, ठीक है। हालांकि दिखाते क्रेडिट साइड है बाय WIP हमारा रेवेन्यू, वर्क सर्टिफाइड का और वर्क अनसर्टिफाइड का भी, ठीक है। इस टाइप से हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो अब नॉर्मल कॉस्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। एंड सेकेंडली, आपको जितना भी दिया गया है काम उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अनसर्टिफाइड पोर्शन भी कुछ बचता है या नहीं। थर्ड पॉइंट, कई बार हमें एस्केलेशन क्लेम मिलता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मल्टीपल पीरियड्स के लिए होते हैं, नहीं पता कि कितने रेट बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन आ सकती है। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई देखो महंगाई आएगी ना, तो आपको इससे ऊपर वाला रेट आपको देना पड़ेगा। हम कॉन्ट्रैक्टी से पहले कह देते हैं कि भाई देखो मैं आपकी बिल्डिंग बना दूंगा, लेकिन कल को महंगाई आ सकती है और अगर मान लो 100 रुपए से ज्यादा हो गया ना अगर इससे रेट, तो आपको ऊपर का अमाउंट देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। पहले से ही एग्री कर लेना कि महंगाई को कैसे सहन किया जाएगा, कौन कितना लॉस उठाएगा महंगाई का। तो ऐसे केसेस में एक चीज ध्यान रखना, एस्केलेशन क्लेम सिर्फ महंगाई के लिए होता है, प्राइसेस के रिविजन के लिए होता है, ना कि आपकी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी के लिए। तो अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो या आप कम कंज्यूम करते हो तो उससे आपको कोई क्लेम एक्स्ट्रा कम या कम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ प्राइसेस का इम्पैक्ट देखना है कि अपने प्राइसेस कितने थे और कितने हो गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एस्केलेशन क्लेम सिर्फ प्राइसेस के इम्पैक्ट के लिए होता है, आपकी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी के लिए वो नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो बेसिकली है, बहुत सारे हम प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लिमिट्स बना रखी है कि इतने परसेंटेज काम है तो इतना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ही पीएनएल में जाएगा, बाकी रिजर्व बनाओगे, इतना काम है तो इतना रिजर्व, अलग अलग कंजर्वेटिज्म की लिमिट बना रखी है। तो सीए इंटर के जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उन्हें तो वो लिमिट्स फॉलो करनी पड़ेगी बिकॉज उनके मटेरियल में वो गिवन है, ठीक है। लेकिन ये जो सीए इंटर के न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उन्हें ये फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में मॉड्यूल में उन्हें इंक्लूड नहीं किया। तो मैं आपको कहूंगा सिंपली आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो, वो सिर्फ फॉर्मूला है न्यूमेरिक, ठीक है। वो फॉर्मूलाज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट के जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है बिना उन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किए किया गया है। इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर निकालता है न्यू सिलेबस के लिए तो बिना फॉर्मूले उसे सॉल्व करता है। तो आप चाहो तो उन कॉन्सेप्ट्स को, उन प्रूडेंस के लिमिट्स को इग्नोर कर सकते हो ताकि आपके कोई जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद ना रखना पड़े। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, पहले पार्ट में कॉस्ट निकालिए एंड सेकेंड पार्ट में रेवेन्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आई होप आपका जो है टॉपिक रिवाइज हो गया होगा, अब आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप जो है इजीली अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।